केस वन है आपका डी लेस देन 4F। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लिखूं क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो पता नहीं इस पूरे को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं कि रूट के नीचे वाले को बोलते हैं, जो भी आप समझें। बट मेरे को ये पता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसके दो रूट कब होंगे? जब ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और एक ही रूट कब होगा? जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर ये लेस देन 0 आ गया, डी स्क्वायर लेस देन 4DF हो गया। कैसे निकाल रहा हूँ मैं? डी स्क्वायर लेस देन 4DF हो गया तो क्या आ जाएगा? डी लेस देन 4F आ जाएगा, ठीक है ना? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया ये रूट के अंदर वाला, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसके ऐसा कोई भी केस नहीं होगा, ठीक है ना? नो सच पॉइंट या नो सच पोजिशन, नो सच एक्स इज पॉसिबल, नो सच एक्स इज पॉसिबल। तो ये आ जाएगा नो सच एक्स इज पॉसिबल, ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा बेटा अगर कैपिटल डी इज लेस देन 4F होगा, ठीक है? कैपिटल डी लेस देन 4F आ गया तो ऐसा कोई भी एक्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना? वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी ना इस इक्वेशन से, आपकी एक्स की वैल्यू आएगी नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस फिक्स कर दी और कोई भी लेंस उठा लिया और आप सोचो कि इमेज इस तरह की सिचुएशन है, यही है। वापस बना दें, ये आपका ऑब्जेक्ट फिक्स है, ये आपकी स्क्रीन है, कैपिटल डी फिक्स है, ये आप एक्स ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने डिस्टेंस फिक्स कर ली और फिर किसी भी फोकल लेंथ का लेंस उठाया और आप सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कभी ना कभी तो स्क्रीन पर इमेज आ जाएगी। जरूरी नहीं है, दिख रहा है आपको साफ साफ। अगर आपने इस तरह का कॉम्बो ले लिया कि कैपिटल डी इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो आपको एक भी पोजिशन नहीं मिलेगी ऐसे, ठीक है? केस नंबर टू देखिए, केस नंबर टू क्या है आपका? डी इक्वल टू 4F, तो आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन पोजिशन विल बी देयर, ठीक है ना? एग्जैक्टली वन पोजिशन विल बी पॉसिबल, एग्जैक्टली वन सच पोजिशन विल बी पॉसिबल। एग्जैक्टली वन सच पोजिशन विल बी पॉसिबल। केस नंबर थ्री, इसमें आप क्या बोल सकते हैं? कैपिटल डी इज ग्रेटर देन 4F। अगर कैपिटल डी ग्रेटर देन 4F आ जाए तो आपकी दो पोजीशन मिलेंगी एग्जैक्टली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना? तो टू पोजीशन x1 एंड x2 विल बी पॉसिबल, टू पोजीशंस x1 एंड x2 विल बी पॉसिबल, ठीक है? अब आपको ये यही पोजीशन, यही सेटिंग करनी होती है कि एटलीस्ट दो पोजीशन मिल जाए तभी आप प्रोसीड कर पाएंगे। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको शुरू में सेटिंग करने में, ठीक है ना? तो हम इसी वाले केस को लेके चल रहे हैं, इसी का यूज करके हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। पर्पस ध्यान रखिए, किसी अननोन फोकल लेंथ का आपने कॉन्वेक्स लेंथ ले लिया, उसकी आपको फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है ना? नहीं तो आप ये एडजस्ट करते रहेंगे कैपिटल। क्या कह रहे हो बेटा? अगर डी इक्वल टू 4F होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है देख लो आप, कितनी आ रही है? हाँ तो 2F पर आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है? लेकिन डी ग्रेटर देन 4F होगा तो दो मिलेगी। तो आप यही कोशिश करेंगे कि दो पोजीशंस मिलने लग जाएं आपको बीच में, जिससे कि इमेज स्क्रीन पर बन जाए। फिर इस केस थ्री का यूज हम फोकल लेंथ निकालने में कर रहे हैं, ठीक है? कैसे कर रहे हैं देखिए आप एक बार, टू फाइंड आउट फोकल लेंथ। अब हम उस पर जा रहे हैं कि टू फाइंड आउट फोकल लेंथ कैसे निकाल रहे हैं आप, टू फाइंड आउट फोकल लेंथ, टू फाइंड आउट फोकल लेंथ। आपने ये तो समझ लिया कि इस तरह का लेंस है आपका और ये ऑब्जेक्ट, अब तो आपको याद हो जाता होगा, इतनी बार मैं रिपीट कर देता हूँ आजकल इसमें। तो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है ना? इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी फिक्स है, तो ये एक्स की दो पोजीशन हो सकती हैं अगर आपका कैपिटल डी ग्रेटर देन 4F हो गया, ठीक है ना? कैपिटल डी ग्रेटर देन 4F हो गया तो जो आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इक्वल टू 0 के दो रूट्स पॉसिबल होंगे, x1 और x2 दो रूट पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है ना? x1 एंड x2 दो रूट पॉसिबल हो जाएंगे इसके, तो इसी का यूज करेंगे। तो वो दो रूट कौन से होंगे वो आप सॉल्व कर लें इसको बेटा एक बार। x1 कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके सिंपल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC से अगर सॉल्व करेंगे, ये आ गया डी माइनस
अंडर रूट डी इंटू डी माइनस फोर एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1/2 डी माइनस रूट डी माइनस डी इंटू डी माइनस फोर एफ, और एक्स टू कितना आ जाएगा आपका, एक्स टू आ जाएगा 1/2 कैपिटल डी प्लस अंडर रूट डी माइनस फोर एफ आ जाएगा। ये आपके पास एक्स वन एक्स टू की वैल्यूज आ गई, ठीक है ना, ये आपके पास एक्स वन एक्स टू की वैल्यूज आ गई। अब आप एक्स टू माइनस एक्स वन करिए, इसको क्या आएगा, ये वो दो वैल्यूज हैं, दो पोजीशन है जो आपने एक्सपेरिमेंटली एक्स वन एक्स टू की वैल्यूज भी फाइंड कर लिया आपने बेटा, ठीक है ना। जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें यही किया जाता है, इन पोजीशन मूव करा के देखी जाती है कि आपकी दो वैल्यूज निकल जाए एक्स वन एक्स टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन सब्ट्रैक्ट कर दो, किसके बराबर आ रहा है, अंडर रूट डी माइनस बी माइनस फोर एफ आ जाएगा। मैथ बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है मतलब। तो लेट एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई, अब मैं इसको वाई नाम दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों दे रहा हूँ, मुझे भी आगे पता पड़ेगा, मैंने लिख रखा है तो कुछ आगे यूज कर रहा हूँ, उसको नाम दे दिया है वाई दे दिया कुछ, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ से कितना आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू डी इंटू डी माइनस फोर एफ आ रहा है। तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है यहाँ से आपकी, देखो डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फोकल लेंथ क्या आ रही है, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर डी आ रही है, ये फोकल लेंथ आ रही है, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर इंटू डी, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो अब निकल जाएगी ना बेटा, आपको डी पता है, वाई आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर ली, ये आपको याद भी रखना, जिसपे मैं रिमेम्बर लिखूंगा इसमें वो ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी होगा, प्रॉब्लम खूब मिलेंगे, आर्काइव उठा के देख लीजिए, मेंस में लाइन से एडवांस में भी एक दो प्रॉब्लम आए हुए हैं। और बहुत बार ये करता है, इसका नाम थोड़ी लिखेगा आपको कि ये वो वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, वो सीधा ऐसे बोलेगा फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो यहाँ पर रख दिया आपने, बताओ कि इस पोजीशन पे इतना डिफरेंस आ रहा है, दो पोजीशन मिल रही है यहाँ पर कि स्क्रीन पर इमेज बन रही है, तो बताओ उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। वहां पर आप ये दोबारा सारा निकालेंगे थोड़ी नहीं, डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके कैपिटल डी और ये वाई फाइंड आउट करने आप, ठीक है ना, वो आपने निकाल ली है तो आपको इस फार्मूले से डायरेक्ट फोकल लेंथ मिल जाएगी। एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट वाई एंड डी, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट, तो आप करेंगे नहीं एक्सपेरिमेंट, आपको गिविन होगा फाइंड आउट वाई एंड डी। तो ये बेटा फिर कह रहा हूँ मैं, बोलेगा नहीं, वो याद आना चाहिए, इतनी बार आपके दिमाग से आपके पेन से निकल जाना चाहिए एग्जाम के पहले, या आपको देखते ही समझ आ जाए कि ये वही कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का मेथड है। तो फिर आपको कैपिटल डी देगा और पूरी कहानी लिख देगा, इतने फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ऐसी दो पोजिशन मिल रही हैं या दोनों पोजीशन बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो बताओ फोकल लेंथ कितना होगा। अब आप उसमें सब लगा के करने लग गए तो टाइम निकल जाएगा, आपको स्ट्राइक कर गया तुरंत फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें और सारे फार्मूले बन सकते हैं, तो इसमें कुछ नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, देखो आप कुछ और भी रिलेशन आ जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है, और रिलेशन क्या आ रहे हैं देखो आप, याद करेंगे, वो एक तरह से साइड प्रोडक्ट है सारे रिलेशन, ठीक है ना। तो नोट्स आप देखिए इसके क्या लिखेंगे आप इसमें, डिस्प्लेसमेंट मेथड के नोट्स में।